वेलकम बैक टू माय चैनल, जय श्री राधे। तो रंगोली बन चुकी है, मंदिर में गई थी, दीप दान करके आई हूँ। मैं सोच जल्दी जल्दी हो जाए, जो अब घर का सारा देखूंगी। वो देखो, वो दोनों झगड़ा कर रही हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले पूजा हो जाए, पूजा के लिए मैं लड्डू गोपाल को रेडी करने जा रही हूँ। अभी मैंने भी कपड़े पहने, बच्चों को भी पहना है। सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो जाए, फिर हम सब रेडी हो जाएंगे। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने अभी दिवाली, उनके लिए भी तो न्यू ड्रेस लेना ही था, तो ये मैं लेके आई उनके लिए। आज उनको व्हाइट कलर का पहनाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन करा था व्हाइट, क्योंकि लड्डू गोपाल का भी मन हो कि मैं व्हाइट ही पहनूँ, इसलिए उनके लिए कमल जैसा व्हाइट कलर का दिखाती हूँ। चलो दिखाती हूँ उनका दिवाली ड्रेस और दिवाली गिफ्ट, और मैंने धनतेरस में क्या लिया वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, जय श्री राधा। उनको रेडी करके दिखाती हूँ उनके लिए। ये लिए ये वाला ड्रेस, ये व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर लगा मुझे। एक्चुअली ये मैंने शरद पूर्णिमा में लेना था, लेकिन शरद पूर्णिमा में मेरा नहीं आया ड्रेस, तो मैं जो दिवाली पे पहना दूंगी उनको। तो उनकी व्हाइट कलर का ही उनका मुकुट, और ये उनकी माला, और ये छोटी वाली माला। तो चलिए उनको तैयार करते हैं, फिर दिखाती हूँ अपने पूरे अपने लड्डू गोपाल का लुक। ये मैंने सुबह रेडी किए थे उनको, बुलन के ड्रेस ही पहना दिए थे, पर अभी थोड़ी सी पार्टी में, पार्टी वेयर चलते ही है ना। तो ये मैंने उनको दिया है, ये गिफ्ट दिए मैंने उनको धनतेरस पे, ये चांदी की बांसुरी और ये चांदी का गिलास और चांदी का चम्मच मैंने ये उनके लिए खरीदा है। मतलब इनमें दूध पिलाया करूँगी उनको, चांदी के गिलास। और ये मेरा धनतेरस का गिफ्ट अपने लल्ला के लिए। आप लोगों ने क्या लिया जय श्री राधे बोल के, और मुझे ज़रूर बताना। और बांसुरी कैसी है मुझे ये भी बताना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल रही थी ना कि मेरे ड्रेस मेरी पिछली वीडियो में कि बड़े आ गए हैं, तो ये मैंने अपने बांके बिहारी को पहना दिए और राधा कृष्ण को, इनको इतने अच्छे लगे। मतलब चलो इनके लिए शायद आए, तो ये देखिए इनके लिए भी तो मंगवाने थे, इनके लिए इनको फिटा आ गए। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलो लल्ला रेडी होते हैं। मेरे लल्ला ने वाइट ड्रेस विराजमान कर लिए, सुंदर लग रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, हैप्पी दिवाली। ये रही उनकी बांसुरी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये रहा, पूजा का भी हो गया, बस अब पूजा करनी है। हम जल्दी से रेडी हो जाएं, लल्ला तो रेडी हो गया, अब मेरी दोनों राधा रानी रेडी करूंगी। राधा रानी देखो, तो दोनों को रेडी करके ही हम पूजा करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय। तो पूजा वगैरह हमने कर ली है, पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग ले। तो हमने अपनी दोनों बेटियों से भोग लगवाया माता रानी को, क्योंकि ये दोनों लक्ष्मी है तो यही तो भोग लगाएंगी। तो पूजा का मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि तब पूजा करनी थी, वीडियो बनानी थी, पूजा करने ले पाए, वैसे हमने ले लिया। तो पूजा करने के बाद ही हमने दिए वगैरह जलाए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त जल्दी था, 6:30 तक से लेकर शायद 7:15 तक था, तो इसलिए हम फिर हमने वो सोचा था अभी नीचे दिए जलाने हैं। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले पूजा कर लेते, जो मुहूर्त में की जाए वही अच्छी होती है। तो हम लोगों ने शगुन के लिए तो एक दो फुलझड़ी भी जलाई, उसके बाद हमने दिए जलाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए दिए वगैरह जला रही हूँ, और दिए बुझ भी रहे थे, उस दिन हवा चलती है ना, तो इसलिए बुझ भी रहे थे साथ साथ में। सोना मैडम बोल रही थी मुझे जलाने, और डर भी रही थी और जलाने भी है। चलो मैंने सोचा इसको सिखाना भी तो ज़रूरी है धीरे धीरे। इसके अंदर डर बहुत है, सोना के अंदर, कुह के अंदर नहीं है, लेकिन इसको थोड़ी सी है, मतलब कि ये थोड़ी डरपोक स्वभाव की है, हर चीज़ में डरती है, करना भी होता है, पर मैं वही सोचती हूँ, इसको सिखाना भी तो है ही, मुझे ही सिखाना है, तो इसलिए मैं इसको हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा इसको वो करती हूँ, बढ़ावा देती हूँ कि नहीं करना ही करना है आपको।
मैं यहाँ दिए लगाने में और मोमबत्ती लगाने में बिजी हूँ, ये लोग देखो से दिवाली का मजा तो ये ले रहे हैं, हम लोग बस दिए वहाँ जलाओ वहाँ जलाओ वहाँ जलाओ यही करते रहते हैं, क्या करें। हैप्पी दिवाली। इधर आओ ना कुड़ियों, इधर आओ, इधर आओ ना, उधर क्यों भाग रही हो? तेरे मेरे दीवार, हैप्पी दीवार, रंग बिरंगी रंग बिरंगी, वाह सोना भी रंग बिरंगी। अब मैं नीचे जा रही हूँ नीचे दिए जलाने के लिए, रंग बिरंगी को ही स्माइल। हेलो रंग बिरंगी सोना भी आ गई क्या कुही के पास? कुही देखो रंग बिरंगी, कुही और रंग बिरंगी सोना, इधर देखो दोनों बहन, इधर देखो। फिर हमने सोचा कि मेन गेट पे भी तो जलाने हैं, तो मेन गेट पे मैं भूल ही गई थी, तो सबसे पहले लोग मेन गेट पे जलाते हैं, तो मैंने छत से शुरू किया, तो फिर मेन गेट पे आ गई मैं थाली लेके और जलाने, और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी चल रहा था, तो मैंने बोला मेन गेट पे तो जलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लक्ष्मी माता यहाँ से तो आएंगी तो दी जलाना तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए दो ही जला, क्योंकि गली में कुत्ते होते हैं और रोशनी से थोड़ा बहुत उनको डर भी लगता है, इसलिए दो ही जलाए मैंने दिए। तो ये देखिए बस बच्चे परेशान कर रहे थे, बाहर आ रहे थे, मतलब गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो वो कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए बच्चों को बाहर नहीं आने दे रही थी मैं, इसलिए जय श्री राधे जय श्री राधे। फिर रंगोली की बारी, रंगोली में भी दिए वगैरह जलाए, तो ये देखिए अंदर भी जला के आए थे, क्योंकि हम लोग अंदर भी जलाते हैं, दिए वगैरह जलाने के बाद फिर बच्चों ने चक्री वगैरह का मजा लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने भी मजा किया, ये देखिए अनार वगैरह से। तो साड़ी पहनी थोड़ा सा दूरी थी, क्योंकि कहीं वो भी नेट वाली साड़ी थी, कहीं जल वगैरह ना जाए, इसलिए थोड़ी सी दूरी बनाए रखी थी। तो ये देखिए फिर तो फोटोशूट भी तो बनता ही है, तो फोटोशूट वगैरह करवाया। इतना तैयार होके काम करने का मन करता, तैयार कहाँ हुई हूँ, सिर्फ दूर बिंदी लिपस्टिक लगाई और टांग ली, मैंने तो कंघी भी नहीं की सकती बाबू, ऐसे ऊपर ऊपर से टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। ये वाली वाली मुझे हमेशा याद रहेगी, पर है अच्छी थी, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अभी मैं पापा के लिए बना रही हूँ खाना, मैंने बोला पूजा हो गई, हमने पूजा मुहूर्त पे की, मुझे सबसे अच्छा ये लगा, तब उसके लिए कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं ली, थोड़ा बहुत किया मैं बताऊँगी बाद में। तो पूजा मुहूर्त में हो गई ये सबसे अच्छा हुआ, पूजा हो गई, दीप वगैरह जला दिए मंदिर में हो के आए, तो बस अभी पापा के लिए खाना बना दे, फिर मैंने बोला बाकी सब कुछ बात में करेंगे, पापा को भूख लगी, पापा बीमार भी हैं, पापा के लिए क्या बना रही, चलिए दिखाती हूँ मैं। जय श्री राधे। पापा के लिए बना रही हूँ मैं पनीर की भुर्जी, कि मैंने दाल भिगोई थी पर मेरा बल्ला नहीं बना, टाइम ही नहीं मिला, पूजा भी हो गई, अब क्या फ़ायदा, कि पापा की जल्दी जल्दी मैंने भुर्जी बना ली, अब रोटियां सेकने वाली हूँ पापा के लिए, लिए शोले बना ली हैं, देखिए इसके साथ बनाऊंगी भटूरे, मैंने सोचा पापा को खिला दूँ, फिर उसके बाद इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, पापा को टमाटर नहीं खाना इसलिए पापा को प्याज डाल दिया, उन्होंने डालती गया, इसलिए पापा की अलग से भुर्जी बना ली है, छोले बाद में दूंगी, अभी हमने खाए नहीं है, पहले भगवान को भोग लगी, पहले मैंने पापा को खिला दो, पापा भी बीमार है इसलिए पापा को खिला के फिर, और मेरा दही भला नहीं बना, मैंने सोचा बनाऊँगी बट बना ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला सच्ची में, रंगोली में इतना टाइम लगा कि क्या कहूँ क्या कहना, चलो मैंने खीर बनाई, गुलाब जामुन बनाए, भगवान उसी में खुश हो गए। जय श्री राधे जय श्री राधे। पापा को खाना देके फिर आपसे मिलती है, फिर से जय श्री राधे, हैप्पी दिवाली। तो चलिए भगवान की पूरी झलक दिखाती हूँ, ये देखिए लक्ष्मी माता जी विराजमान है, और कुबेर जी, लक्ष्मी और गणेश जी मेरे पास पित्तल के हैं, और राम भगवान जी भी हैं, और मेरे लल्ला, तो ये उनके उनको मिठाई के लिए हमने खीर, और मैंने बोला कि इस बार भोग वो ही लगेगा जो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, हम अपने हाथ से बाहर का कुछ नहीं लगेगा, तो इसलिए ये देखिए। तो आपको ये माता पे चुनरी ओढ़ी हुई दिख रही है, बहुत बड़ी है, और कुछ लोगों को पता, मैं पिछले थोड़े दिन पहले वैष्णो देवी गई थी, वहाँ से मुझे माता वैष्णो देवी के वहाँ से उन प्यारी सी चुनरी मिली है, तो वो मैंने लक्ष्मी माता पे ओढ़ दी है, कितनी सुंदर लग रही है ना चुनरी, बहुत ही सुंदर चुनरी मिली है मुझे। हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए बाहर आज मैं पहली बार अपने लल्ला को भी लेके आई हूँ, हमारे लल्ला, मैंने सोचा लल्ला क्यों अंदर रहे,
इनको भी बाहर लाना बनता है ना, ये देखिए हैप्पी दिवाली। फिर हमने सोचा लल्ला को रंगोली के सेंटर में बिठा देते हैं सिंहासन पर, लल्ला सब देखेंगे कि दिवाली हमने कैसे में, वो अकेले बाहर क्यों बैठे रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको ले अपने साथ लेके आए, तो अच्छा लगा ना, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगा अब लल्ला, और अब पूरी अच्छे से हम दिवाली मनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। कोई तुम सा न था सारे संसार, ए चलो चलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। फिर बस हमने पहले पटाखे वगैरह फोड़े, फिर हमने खाना खाया बाद में, वाला फोड़ लेते हैं, थोड़ी एनर्जी भी आती है। तो ये देखिए साथ साथ में फोटो शूट चल रहा था, और साथ साथ में हम लोग दिवाली मना रहे थे। जय श्री राधे। और हमारे साथ हमारे लल्ला भी थे, वो भी राजमन बैठे हुए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पटाखे जला लिए, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, अभी अपने रूटीन वर्क में ड्रेस भी चेंज कर दी है, अभी भगवान जी को भोग लगेगा, अब गरम गरम ही बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगेगा, फिर हमारे पेट को भोग लगेगा, और मेरे पति देव मेरी हेल्प कर रहे हैं और वो बना रहे हैं भटूरे। चलिए दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। तो ये देखिए तेल गरम कर दिया है कढ़ाई में, पति देव जी बना रहे हैं भटूरे, ये देखिए। एक्चुअली आज दिन भर का पूरा खाना, से मैंने पोहा बनाया था, पूरा दिन भर का खाना मेरे पति देव जी ने बनाया, ये छोले भी मेरे पति देव जी ने बनाए टेस्टी टेस्टी वाले, थैंक यू। तो ये भटूरा बन के रेडी हो गया, पति देव जी निकाल रहे हैं ये। अभी पहले लड्डू गोपाल को और माता को भोग लगेगा, उसके बाद हमारे पेट में जाएगा। तो जय श्री राधे। देखिए भगवान जी का खाना, छोले और भटूरे मैं काट के दिखाती हूं। तो ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट, कुछ आती नहीं, जी को भोग लगाते हैं। भोग लगा लो मेरे मुंह, मैं खा लूं रुचि रुचि, भोग लगा मेरे मुंह, मैं खाऊं। ओ शाहिद, मैंने उला दिया, रहने दो सुनो, उसको लगा दो। नहीं कुहू, कैसे छोले भटूरे पापा ने कैसे बनाया? मिर्ची है, हॉट है, हाँ चलो खाओ। कुहू ये मुंह में क्या लगाया है, लिपस्टिक? चलो खाओ 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 दोनों बहन। ये रहे हमारे भटूरे, सच में इस बार हमने ना जबरदस्त बनाया है। ये देखिए फूले फूले भटूरे, ये छोले, ये खीर, गुलाब जामुन, ये हब्बी। अभी एक फाड़ के दिखाना, काट के दिखाना कितना सॉफ्ट है, ये भी नहीं नरम नहीं है, ये देखिए बिल्कुल हलवाई जैसे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैं बस नहीं, अभी बोल रहे बनाए मैंने रेसिपी, तू शेयर करेगी, मैं बताऊंगी हम भी ने कैसे कैसे बनाए। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, जय श्री राधे। तो यही मेरा दिवाली का ब्लॉग था, ये रहे मेरे प्रभु जी, प्रभु के सामने ही हम खाएंगे। तो यही मेरा दिवाली का ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। जय श्री। तो ये देखिए बज रहे हैं रात के 11:30,
और सर सो गए, मैं ही जगी हूँ क्योंकि मम्मी तो थे नहीं घर पे। मैंने सारी किचन क्लीन की, सारे बर्तन साफ़ किए, पोछा वगैरह लगा कर ही सोई क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माता साक्षात आते हैं, इसलिए कोई जूठा बर्तन नहीं छोड़ते। अभी रात हो गई है, माता लक्ष्मी का सोने का भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है और लल्ला का को तो मैं सुलाती हूँ डेली। तो चलिए दिखाती हूँ, ये मैंने माँ लक्ष्मी के लिए नया मंगवाया था, ये उनके लिए मैंने बिछाया है यहाँ पर उनका बिस्तर, वो आएंगी सो जाएंगी रात में इधर, और लल्ला के लिए ये वाला बिस्तर। तो ये माता लक्ष्मी के लिए माँ आप आना और इधर विराजमान हो जाना, और ये मेरे लल्ला के लिए। चलिए लल्ला सोने की तैयारी कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।